फ्रेंड्स, आज मैं आपसे लच्छेदार रेवड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बहुत ज़्यादा बनाना आसान होता है। जैसा कि आप हलवाई की दुकान में जब जाते हैं ना, तो आपको जो हलवाई रबड़ी बना के देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इस रबड़ी को तैयार करेंगे। इसमें हम ना तो कोई केमिकल डाल रहे हैं या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे जिससे लच्छे तैयार होते हैं। और ऐसे हम बनाएंगे रबड़ी तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, नॉर्मल दिनों में भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने रबड़ी के कई वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। और केवल 10 मिनट में आप लच्छेदार रबड़ी कैसे तैयार करें वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए आज इस रबड़ी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज स्पेशल किचन। चलिए तो गैस की फ्लेम पे एक कढ़ाई को रख लेते हैं। और अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करा है और ये मैंने स्टील की कढ़ाई ली। आप चाहे तो लोहे की कढ़ाई या नॉनस्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इसमें मैं 1 किलो दूध ऐड कर रही हूँ। मैंने ये इसमें गाय का दूध डाला है, आप भैंस के दूध का या कोई भी दूध का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में दूध आता हो। चलिए तो अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और थोड़ा सा स्पैचुला से इसे चला लेते हैं। इससे ना दूध बिल्कुल भी नीचे नहीं लगने वाला है। और अभी हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम रबड़ी को बनाएंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। हो सके तो आप लो फ्लेम पे और फिर मीडियम फ्लेम पे इस तरह से बनाते रहिए। इससे ना लच्छे बहुत अच्छे आते हैं हमारे रबड़ी में। चलिए तो देखिए, ये दूध उबलने लग गया है। और जब ये उबलने लग जाए तो आप इसको बीच बीच में चलाते रहिए, हो सके तो कंटिन्यू चलाइए। थोड़ा थोड़ा सा आप रुक सकते हैं, जब ये गाढ़ा होने लग जाए ना तब आप इसे कंटिन्यू चलाइएगा। और क्या होता है कि जो दूध उबलता है ना तो कढ़ाई के साइडों में दूध लगने लग जाता है, बस उस दूध को आपको साथ के साथ निकालते जाना है। जो दूध लगता है ना कढ़ाई में, उसको आपको खुरसते जाना है और इस दूध के अंदर ऐड करते जाना है। जब खुरसते जाते हैं ना हम, तो उसी से लच्छे ना अपने आप बनने लग जाते हैं और बहुत ही बढ़िया परफेक्ट रबड़ी बनके रेडी होती है। तो देख रहे हैं आप, पकाते पकाते हमारा दूध कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। देखिए, जब दूध आधा हो जाता है इस स्टेज पर हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। और चीनी रबड़ी में ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी ही आपको मिठास देनी होती है। तो जो हम नॉर्मल घर में चम्मच यूज़ करते हैं, उसी चम्मच से मैंने करीबन 2.5 चम्मच इसमें चीनी डाली। इससे बिल्कुल परफेक्ट मिठास आएगी, लाइट सा ही मीठा रबड़ी का अच्छा लगता है। और देखिए इसमें कितना बढ़िया गाढ़ापन आ रहा है और इसमें धीरे धीरे लच्छे भी तैयार हो रहे हैं। चलिए तो रबड़ी में एक बढ़िया से फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड कर लिया जाए। जब इलायची का पाउडर दूध की किसी भी रेसिपी में डलता है ना, तो उस रेसिपी का जो है ना फ्लेवर बिल्कुल उभर के आ जाता है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लगने लगती है। चलिए तो झटपट से ये हमने लच्छेदार रबड़ी बना के रेडी कर ली। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर लिया है और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके की रखनी, क्योंकि ठंडी हो जाने के बाद इसमें गाढ़ापन अपने आप आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए रबड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, इसका गाढ़ापन बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है और लच्छे भी इसमें कितने बढ़िया नज़र आ रहे हैं। आज की रेसिपी की वीडियो आपको अगर ज़रा सी भी पसंद आई है फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ये तो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसमें कोई पाबंदी नहीं होती कि आपको लाइक करना ही करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो चलिए, इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।